is for God's relationship with everyone. तो कहते हैं कि रहेंगे एंड मैं आपका एंथुसियास्टिक लेवल को इंक्रीज करता रहूंगा एंड इस शाम को और भी शानदार बनाएंगे. दिस इज एंकर सायम ओवर हियर फ्रॉम द सिटी ऑफ देहरादून एट योर ओन लविंग प्लेस. बच्चे थोड़ा साइड हो गए हां. द फाइनेस्ट कॉलेजेस फॉर गर्ल्स एंड इंतजार के लंबे खत्म हो चुके हैं. वी आर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग ब्यूटी बॉडी ऑफ फेम विद अस मिस अर्चना राव. यानी कि ऐसी हस्ती नाम की मोहताज नहीं है. लाल सिंह चड्ढा अंकल की बात की जाए, एनिमल मूवी बात की जाए, दालचीनी की बात की जाए या फिर बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज की बात की जाए, तो अर्चना ने अपने परिवार के साथ साथ अपना नाम रोशन किया है. और आपको जाना हम हरियाणवी हम का नारा देते हुए कहते हैं कि डॉक्टर मीनू जैन जैसी पर्सनालिटीज ना तो कभी हुई है और ना कभी होंगी. एक कोहिनूर हीरे की तरह मैम हमेशा चमकती हैं. इनके फेस का ऑरा पॉजिटिव वाइब्स को झलकाता है और पॉजिटिव वाइब्स को झलकाने के साथ साथ डॉक्टर मीनू जैन एंड द डिपार्टमेंट हेड की बात की जाए तो मिसेस मनजीत कौर हमारे बीच में मौजूद है, जो इस डिपार्टमेंट की नींव है, जो इस डिपार्टमेंट का प्यार है. एंड कहते हैं कि विश्व सुंदरी 2017 की बात की जाए तो शालिनी जी विदास ऑन द स्टेज. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस लेफ्ट लाइटिंग. अस्तोर्मा सदगमय तर्मसोर्मा ज्योतिर्गमय. ये प्रेम की ज्योति है, ये प्यार की ज्योति है, ये स्वीकारोति कल्याणम आर्यो गंधम संपदम. एंड वी आर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल मेंटर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ओवर हियर, सच अ ब्यूटीफुल लेडीज. और मैं हमेशा अपने शोज में कहता हूं कि लेडीज कहना कहीं ना कहीं इनके साथ सही नहीं बैठता है, तो मैं ब्यूटीफुल गर्ल्स कहता हूं, वेदर वो मैरिड हो या बैचलर. Thank you.
कृष्णा राव है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं अभी वेब सीरीज़ कर रही हूँ। मैंने एनिमल मूवी की है, लाल सिंह चड्ढा की है, और सीरियल्स हैं जो कलर्स पे आते हैं, जिसमें उड़ारियाँ, दालचीनी, स्वर्ण घर और सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये मैं कर रही हूँ। तो अभी कौन सी सीरीज है? अभी मैं रितेश देशमुख के साथ पिल, नाम तो अभी नहीं रिवील करते। अच्छा, हाँ, रितेश देशमुख कंप्लीट हो गई वो, और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मेरी बैड बॉयज दीवानी आई है हरियाणवी। हाँ जी, तो आपने फिल्म भी की, वेब सीरीज भी की, टीवी भी की है। हाँ जी, इसमें फिल्मों में क्या डिफरेंस है, क्या है? इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस मुझे थिएटर और कैमरा में लगा। जो हम थिएटर करते हैं, थिएटर भी किया आपने? हाँ जी, थिएटर भी, बहुत थोड़ा टाइम किया बट थिएटर किया। क्या डिफरेंस है थिएटर में? थिएटर में आपको थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं क्योंकि वो सब चीज़ लाइव होती है, आपको रीटेक का चांस नहीं मिलता है। जब आप कैमरा कर रहे हो तो आपको होता है कि आप रीटेक्स भी लेते हैं, टाइम मिलता है आपको, और ऑडियंस आपको पता है सामने नहीं बैठी है, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट की चांसेस रहता है वो चीज़ों। तो जैसे देखिए, फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ें के होते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई चीज़ ख़राब है पूरे तरीके से, है ना। तो अब वही है कि पहले थिएटर्स के लिए चीज़ें थी, अब घर बैठे आपको कई बार होता है आपका टाइम बच रहा है, आप सोचते हैं पैसा बच रहा है ना, आप थिएटर जाओगे, आप तैयार हो गए, टाइम लगेगा आपको, है ना, गाड़ी निकालोगे, ये वो सो, वहाँ पर घर बैठ के सारे लोग आप देख सकते हो, आजकल तो वो चीज़ें हैं, तो ओ टी टी उस हिसाब से फ़ायदेमंद है। तो हमारे शहर के जो युवा हैं वो फिल्म मूवी तो जाना जाता है, और उनको कोई मंच नहीं मिलता छोटे शहरों में, यहाँ तक कि वो थिएटर की भी फैसिलिटी नहीं है, उनको क्या महसूस हो गया? सर देखिए, ये प्रॉब्लम तो है छोटे एरिया, बट अभी ना ये बहुत बड़ी वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे मैं पहले भी मैंने जिक्र किया कि हम जब बॉम्बे जाते थे कि बॉम्बे जाके ये सब चीज़ें होंगी। अब इसे मैं चंडीगढ़ रह रही हूँ, तो चंडीगढ़ में मैंने बहुत सारे, मुझे लगता है 80% शूट्स मेरे चंडीगढ़ में हुए हैं, मतलब नियर बाई आप मोहाली ले लीजिए। हाँ, तो बॉम्बे जब जाते हैं, जब लगता है कोई इस तरह का सीन रह गया या वहीं पर शूट होएगा, तो वो बाउंडेशन नहीं है कि आप बॉम्बे जाओगे, आप चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बहुत शूट्स होते हैं, तो नियर बाई जो एरियाज़ के एक्टर्स हैं तो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं सर। देखिए मुझे अब तो हैबिट होगी, अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आप जाते हो किसी बड़े, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने काम शुरू किया था, तो पहला जो मेरा कैमरा था वो आमिर खान सर के सामने, तो उस टाइम मैं नर्वस थी कि उधर करीना कपूर मैम है, इधर आमिर खान सर है, तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस हुआ था, अब नहीं होता, अब तो आदत हो गई है। हाँ जी, उनके कहने का मतलब था कि रणबीर कपूर साहब रितेश सर के साथ, हाँ, नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। हाँ जी, और डॉक्यूमेंट्री है एक हरियाणवी, वो आ रही है। हाँ जी, और एक पंजाबी वेब सीरीज हमने की है, वो आ रही है। तो नमाज यहाँ पर पहुँचे हैं, फैशन शो यहाँ पर है, तो किस तरीके से बच्चों के जो बच्चों ने तैयार किया है उसको किस तरीके से देखेंगे, क्या जो टैलेंट है बच्चों का उसको आप यहाँ पर जज करेंगे फिलहाल? सर मुझे अभी तो देखना है, बट जितना मैंने पूछा मैम से कि बच्चों ने खुद क्रिएट किए चीज़ें, कोई चीज़ मार्केट से नहीं खरीदी उन्होंने, हर एक चीज़ अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाएंगे, तो बाकी चीज़ें हम शो के बाद डिस्कस करेंगे। हाँ जी सर, खुशी तो मुझे बहुत है क्योंकि मैं यमुनानगर ही पहली बार आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतने प्यारे प्यारे स्टाफ मेम्बर्स जो बहुत स्वीट से हैं, इनके इनसे मिल के, और सर से मैं पहले भी मिली हूँ, तो स्टाफ बहुत अच्छा है, और बाकी आगे अभी फंक्शन होएगा तो हम देखेंगे, और अब तक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। आपकी अभी जो नई मूवी रिलीज हुई है एनिमल, अभी रणवीर कपूर, हाँ जी, एनिमल में आपके जो किरदार है उसके बारे में बताएं। उसमें सर मैंने उनकी भाभी का रोल प्ले किया है, जो उसमें पिंड में जब वो अपने आते हैं गाँव में बेसिकली अपने भाइयों को मनाने के लिए, तो वो जब वो भाभी जब वो आते हैं देवर, तो छत पे जाती है, बड़ा सा जो अपना एक टिपिकल होता है ना गांव में कि बड़ा लस्सी का ग्लास लेके जाती है, पूछती है तेरा ब्याह हो गया, शादी होगी, तूने बुलाया नहीं, जो भाभी और देवर भाभी का वो कॉन्वर्सेशन होता है, वो मैंने प्ले किया। मैम बहुत एक्साइटमेंट होती है जब हम किसी फिल्म स्टार के साथ काम करते हैं, और रणवीर